दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बिजली विभाग की बड़ी भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इस भर्ती के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। फरवरी 2022 की बड़ी भर्ती की अपडेट आ चुकी है। 1512 वैकेंसीज निकली है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। 10वीं पास की भर्ती है। इस भर्ती के लिए हम आपको कंप्लीट डिटेल्स देंगे कि क्या यहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं बिजली विभाग भर्ती 2022 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिजली विभाग के अंतर्गत भर्ती निकली है। टेक्निकल हेल्पर 3rd की पोस्ट है। 1512 वैकेंसी निकली है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु बुक्स भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला शैक्षणिक प्रकाशक है। चक्षु बुक्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्ययन सामग्री प्रकाशित करती है। चक्षु बुक्स हर साल छात्रों के लिए अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत आदि जैसी विभिन्न भाषाओं में 200 से अधिक शीर्षक प्रकाशित करता है। चक्षु एक बहुत ही अनोखे लेआउट का पालन करता है और इसलिए चक्षु बुक्स 1,00,000 से ज़्यादा छात्रों की पसंद है। दोस्तों चक्षु का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। आप अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए भी इस सेट का इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें से अपनी तैयारी पक्की कर सकते हो। तो दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको इन बुक्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिन पर जाकर आप इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों करें अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को पक्का चक्षु बुक्स के साथ। दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं बिजली विभाग भर्ती 2022 के बारे में, इसमें टेक्निकल हेल्पर के लिए 1512 वैकेंसीज निकली हुई है। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर इसमें बात की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 फरवरी 2022 से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 28 फरवरी 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 28 फरवरी 2022 है। सैलरी 13,500 से 19,200 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 28 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस 1,012 रुपये है अलग अलग कैटेगरी के लिए, जो कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री एग्जाम और मेन एग्जाम के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। जयपुर राजस्थान जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। energy.rajasthan.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया हुआ है। यहीं पर आप जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टेक्निकल हेल्पर की पोस्ट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आपसे मंगाए जा रहे हैं। वैकेंसीज डिटेल की अगर बात की जाए तो JVVNL के लिए देख सकते हो। UR के लिए 370 पद है। SC के लिए 164, ST के लिए 124, BC के लिए 216, MBC के लिए 51 है, EWS के लिए 103 है। शहरी क्षेत्र के लिए भी यहाँ पर 4 और 3 7 है। टोटल EX सर्विसमैन के लिए भी 86+129 है। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 1035 वैकेंसीज है और JDVVNL के लिए यहाँ पर 370 है। टोटल 1405 वैकेंसीज है। नॉन TSP एरिया की वैकेंसीज है। TSP एरिया के लिए भी आप देख सकते हो टोटल 107 वैकेंसीज है। यहाँ पर आप जैसे इस PDF को और स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन की भी कंप्लीट डिटेल दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। 10th क्लास पास, सेकेंडरी स्कूल पास कैंडिडेट और साथ में ITI, NCVT या SCVT से आप अप्लाई कर सकते हो। जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो देख सकते हो, इलेक्ट्रीशियन या लाइब्रेरियन, लाइनमैन, SBA या वायरमैन, पावर इलेक्ट्रीशियन में ट्रेड सर्टिफिकेट इसमें ITI का मांगा गया है।
एज लिमिट 18 से 28 वर्ष है, 5 साल की छूट यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए है। इसी तरह से यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो पीडब्ल्यूडी के लिए भी 5 साल की छूट है, ईएक्स सेल्समैन के लिए मैक्सिमम 50 वर्ष आयु सीमा यहाँ पर रहने वाली है। इसी तरह यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हो, शुरुआती सैलरी यहाँ पर आपको 13,500 प्रोवाइड की जाएगी और यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट के दौरान उसके बाद 19,200 सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आधार पर चयन होगा, प्री और मेन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। पैटर्न पूरा देख सकते हो, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल नॉलेज के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 2 घंटे का इसमें टाइम दिया गया है और यहाँ पर 100 क्वेश्चन 100 मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं। इसी तरह यहाँ पर प्री और मेन एग्जाम के लिए भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स है, 2 घंटे का टाइम इसके लिए भी दिया गया है। साथ ही साथ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है, राजस्थान के अंतर्गत एग्जाम सेंटर रहने वाला है। यहाँ पर फीस की बात की जाए तो आप यहाँ से कंप्लीट डिटेल फीस पेमेंट का भी चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमारे पोर्टल पर लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो, लिंक जल्द ही एक्टिवेट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।